ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। शहडोल जिले में संचालित SECL कोयला खदानों से निकलने वाली कोल डस्ट से स्थानीय निवासी काफी परेशान हैं, जिस पर प्रशासन का ध्यान नहीं होने स्थानीय नागरिकों ने चक्का जाम कर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। शहडोल जिले में संचालित SECL कोयला खदानों से उड़ने वाले कोल डस्ट व भारी वाहनों का परिचालन होने के कारण क्षेत्र के लोग कोल डस्ट से परेशान हो चले हैं। प्रदूषण के कारण लोगों का इस सड़क पर चलना दुभर हो गया है। कोल डस्ट से लोगों को कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर कोयांचल नगरी के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है और महिलाओं ने इसके विरोध में रीवा अमरकंटक स्टेट हाईवे मार्ग पर 2 घंटे चक्का जाम किया। चक्का जाम के कारण मार्ग के दोनों ओर भारी वाहनों की लंबी कतार लग गई। घंटों चले विरोध के बाद मौके पर अपर पुलिस पहुंची और SECL के अधिकारियों के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। हमारे शहडोल जिले में कई कोयला माइन संचालित है, जिसके कारण हमारे यहाँ कोल डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ता है, जिससे हमारे यहाँ के लोगों का गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और कोल माइंस का जो विकास कार्यों का पैसा है वो अन्य कई दूसरे क्षेत्रों में लगाया जाता है, जिसके संबंध में आज भारतीय कोयला ठेका मजदूर संघ सोहागपुर के द्वारा चक्का जाम आंदोलन किया गया था और जिसके बाद प्रबंधन द्वारा आकर हमें पत्र के माध्यम से आश्वासन किया गया है कि आपकी मांगों को हम पूरी करेंगे और जिसके लिए जिसको लेकर हमने यहाँ पर चक्का जाम किया। ये स्थानीय लोग भी किए थे क्या चक्का जाम? जी, हमारे साथ में वार्ड के निवासी लोगों ने भी मिलकर हमने पंचायत माइन की तरफ से और बुढ़ा गार्डिंग की तरफ से भी इस रोड पे लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है और जैसा कि आज हम लोग को सूचना मिली कि यहाँ पे चक्का जाम किया गया है लोकल निवासियों के द्वारा, तो हम लोग तुरंत यहाँ पहुँचे हैं और हमने पुनः आज यहाँ लोगों को आश्वस्त किया कि जिस तरह से हम लोगों ने विगत दिनों में भी इस रोड में वाटर पानी का छिड़काव किया है, आने वाले दिनों में भी हम लोग लगातार इस रोड में पानी का छिड़काव करेंगे ताकि कोल्डर से निवासियों को किसी तरह की कोई विशेष समस्या ना हो। जो हम लोग से बुहार साइडिंग के लिए कोयला परिवहन यहाँ से किया जाता है, तो जो कोयला रोड पर गिरता है उससे काफ़ी दस्त होती है और उनका ये कहना था कि कालवी प्रबंधन द्वारा समय समय पर पानी का छिड़काव नहीं किया जाता है, तो दस्त को हम लोग काफ़ी परेशान हैं। तो इस संबंध में हमें भी सूचित किया था और हमने कालवी प्रबंधन से बात करके कालवी के अधिकारियों को यहाँ पर बुलवाया और आपस में बातचीत कराई है। कालवी प्रबंधन ने जो अमलई उसी अधिकार की है उन्होंने आश्वस्त किया है, निश्चित निर्णय दिया है कि हम प्रतिदिन पानी का छिड़काव जो है सुबह 10 बजे से और शाम के 7 बजे के बीच 3 से 4 बार प्रतिदिन करवाएंगे ताकि ये डस्ट की समस्या